अगर आप भी भारतीय टीम को बेहतरीन वनडे टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही थी, जिसमें भारतीय टीम ने 3 मुकाबलों को जीतकर वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस मुकाबले के हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले, भारत का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? आप अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज के 3रे मुकाबले को खेल रही थी, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और विपक्षी टीम को गेंदबाजी का न्योता दिया। और विपक्षी टीम के कप्तान किरण पोलार्ड इस बार फिर खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि इस मुकाबले में दीपक हुड्डा की जगह श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया और युजवेंद्र चहल की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया गया। साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर की जगह दीपक चहर को मौका दिया गया और पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले केएल राहुल की जगह शिखर धवन को टीम में खेलने का मौका दिया गया। क्योंकि भारतीय टीम सीरीज तो जीत चुकी है और अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम और खिलाड़ियों को मौका देना चाहती है। तो वहीं आंकड़ों में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 90 वनडे मैच खेले गए हैं और इनमें से 43 भारत और 43 वेस्टइंडीज के नाम रहे हैं और एक मैच टाई रहा है और 3 मैच बेनतीजा रहे। तो वहीं दोनों टीमों के बीच 21 वनडे सीरीज हुई हैं और इनमें से 7 वेस्टइंडीज और 14 भारतीय टीम के नाम रही हैं और भारतीय जमीन पर भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है और दोनों टीमों के बीच भारत में कुल 11 सीरीज खेली गई हैं और इनमें से 3 वेस्टइंडीज और 8 भारत के नाम रही हैं। तो वहीं जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन और रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका केमार रोच को जड़ दिया और टीम का खाता और अपना खाता चौके के साथ खोला। तो वहीं दूसरे ओवर में अयारी जोसेफ को रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद के साथ ओवर में 2 चौके जड़ दिए। तो वहीं चौथे ओवर में रोहित शर्मा 13 रन 3 चौकों की मदद से बनाकर जोसेफ का शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली आए और आते ही दूसरी गेंद पर और इस ओवर की 5वीं गेंद पर जोसेफ के हाथों 0 रन बनाकर आउट हो गए और दूसरा विकेट भी 16 रन पर ही गिर गया। और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर आए और 7वें ओवर में केमार रोच को शिखर धवन ने 3री गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपना खाता खोला और श्रेयस अय्यर ने अपना पहला चौका 9वें ओवर की 5वीं गेंद का केमार रोच को जड़ दिया और 10वें ओवर में शिखर धवन 3री गेंद पर स्मिथ के हाथों 10 रन 1 छक्के की मदद से बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत आए और 16 ओवर में 2 चौके श्रेयस अय्यर ने जड़ दिए और 19 ओवर में ऋषभ पंत ने अपना पहला छक्का जड़ा और ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, जिसमें 27 ओवर में श्रेयस अय्यर ने अपना 9वां अर्धशतक जड़ दिया और 29 ओवर में ऋषभ पंत ने भी अपना 5वां अर्धशतक जड़ लिया और 150 का आंकड़ा भारतीय टीम को 30 ओवर में पार करा दिया। और 30 ओवर की आखिरी गेंद पर ऋषभ पंत 54 गेंदों पर 56 रन 6 चौके और 1 छक्के की मदद से बनाकर हाइडन वॉल्श का शिकार हो गए और अब बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव आए और 1 चौके की मदद से 6 रन बनाकर 33 ओवर में ब्रुक्स के हाथों आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए वॉशिंगटन सुंदर आए और इसके बाद श्रेयस अय्यर 9 चौकों की मदद से 80 रन बनाकर हाइडन के हाथों 37 ओवर में आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए दीपक चहर आए और उन्होंने तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में 14 रन जड़ दिए और 46 ओवर में जैसन होल्डर के हाथों 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 38 रन बनाकर आउट हो गए और 48 ओवर में कुलदीप यादव 5 रन बनाकर होल्डर के हाथों आउट हो गए और 50वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर 33 रन 2 चौके और 1 छक्के की मदद से बनाकर होल्डर के हाथों आउट हो गए। और बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद सिराज आए और पहली गेंद पर शानदार चौका जड़कर पारी की अंतिम गेंद पर जैसन होल्डर के हाथों 4 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ भारतीय टीम 50 ओवर में 265 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और वेस्टइंडीज की टीम को 266 रनों का लक्ष्य दिया। और जब वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आए तो शाई होप ने पहली गेंद पर 1 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला और पहला ओवर गेंदबाजी के लिए दीपक चहर आए और दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज को शाई होप ने चौका जड़कर पहली बाउंड्री अपनी और अपनी टीम की लगाई और तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दीपक चहर आए और उनको ब्रैंडन किंग ने लगातार 2 चौके जड़ दिए और चौथे ओवर में वेस्टइंडीज की टीम को मोहम्मद सिराज के हाथों शाई होप के 5 रन के साथ पहला झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए डेरन ब्रावो आए और आते ही पहली गेंद पर चौका जड़ दिया
और पांचवे ओवर में दीपक चाहर गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने ब्रैंडन किंग को 14 रन पर आउट कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ब्रुक्स आए और इसी ओवर में अपना विकेट दीपक चाहर को दे बैठे और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान निकोलस पूरन आए और 11 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम ने 50 रन का आंकड़ा पार किया और निकोलस पूरन ने कुलदीप यादव को 13वें ओवर में अपना पहला छक्का जड़ा और 14वें ओवर की पहली गेंद पर डेरन ब्रावो 20 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए जैसन होल्डर आए और 16वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले जैसन होल्डर के हाथों एक शानदार चौका खाया, फिर वापसी करते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर जैसन होल्डर को 6 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए फैबियन एलन आए और अगले ओवर में कुलदीप यादव के 0 रन बनाकर शिकार हो गए और बल्लेबाजी के लिए अब जोसेफ आए और एक तरफ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे निकोलस पूरन 34 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार अगले ही ओवर में हो गए और अब बल्लेबाजी के लिए स्मिथ आए और स्मिथ ने बहुत ही तेज तर्रार छक्के और चौके से भारतीय गेंदबाजी की बैंड बजा दी और 18 गेंदों पर 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 36 रन बनाकर 24 ओवर में सिराज को अपना विकेट दे दिया, जिसके बाद हेडन आए और जोसेफ के साथ मिलकर 45 रन की शानदार साझेदारी की, लेकिन 37 ओवर में सिराज के हाथों हेडन 13 रन बनाकर आउट हो गए और अगले ही ओवर में जोसेफ भी 29 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हो गए और इसी के साथ वेस्टइंडीज की टीम 169 पर ढेर हो गई और भारतीय गेंदबाजों में प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने 3 और कुलदीप यादव और दीपक चहर ने 2-2 विकेट हासिल किए और इस मुकाबले को 96 रन से जीत कर सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच श्रेयस अय्यर रहे और मैन ऑफ द सीरीज प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया। दोस्तों, भारत का सबसे बेहतरीन गेंदबाज कौन सा खिलाड़ी है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।